महल के लोगों के मुताबिक मधु नाम की प्रेत आत्मा से रिश्ता कायम करके अधिराज एक ऐसी गलती कर बैठा था जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। बोचन का कहना था कि 18 साल पहले उसने ऐसी ही रहस्यमय लड़की को अधिराज के पिताजी के कमरे से निकलते देखा था, जिसके ठीक बाद छत से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। और अब अधिराज के सामने बोचन की मौत भी ठीक उसी तरीके से हुई। देवराज के मुताबिक अधिराज के पास अब जीने के लिए मात्र 47 घंटे बचे थे। अधिराज बुरी तरह डर में डूब चुका था और आने वाला हर पल और भी डरावना होने वाला था। लेकिन क्या मधु सच में प्रेत आत्मा थी और क्या अधिराज के पिता की मौत के पीछे वो जिम्मेदार थी? अगर नहीं तो उस खंडहर में उसका पोर्ट्रेट क्या कर रहा था जिस पर बरसों पुरानी धूल जमी हुई थी? आखिर क्या राज था इन हैरत अंगेज घटनाओं के पीछे और क्या होने वाला था अधिराज के साथ अगले 47 घंटों में? महल में बरसों पहले खत्म हुआ हादसों और अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका था। अधिराज आया तो था अपने माता पिता की मौत का रहस्य समझने, लेकिन शायद वो खुद मौत के पंजे में फंस चुका था। बचपन की यादों से खून के धब्बे अभी साफ भी नहीं हुए थे कि महल के नौकर की ठीक उसी तरीके से हत्या। अधिराज की रूह कांप उठी थी। डर के सामने सारे तर्क नाकाम हो रहे थे। क्या अंजाम होगा अधिराज का? क्या उसकी मौत भी महल की एक कहानी या आत्मा का रहस्य बनकर रह जाएगी? टाइम के साथ अगर फिजिकल रिलेशंस बना लिए जाएं तो 48 घंटे में आदमी की मौत हो जाती है। देखने से लगता है कि ये छत से कूद गया या फिर इसे किसी ने धकेल दिया, फेंक दिया। बस अभी 10 मिनट पहले उसने डिनर सर्व किया था, फिर अपने क्वार्टर्स गया पैलेस के पीछे। तासुब की बात तो ये है कि वो टेरेस पे कैसे पहुंचा? तुम गाड़ी लेके जल्दी यहाँ पहुँचो, गाड़ी खराब हो गई है। मैं हूँ जेबी पंथ मार्ग। जल्दी आओ। क्या प्रॉब्लम? गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही। क्या गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही? कोई बात नहीं कुंवर साहब, मैं अभी चेक कर लेता हूं।
ब्रेक तो बिल्कुल ठीक है कुंवर साहब। मैं पूरा विश्वास है। हाँ कुंवर साहब, मैंने बहुत अच्छी तरह चेक किया, गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल ठीक है। ठीक है तुम जाओ। कुंवर साहब, अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं तुम महल जाओ, मैं चले जाऊँगा। ठीक है कुंवर साहब। आदि, इतनी रात गए यार, क्या हो गया? सब ठीक है ना? बोचन मर गया। क्या? बोचन काका? कैसे? पता नहीं कैसे, यहाँ तो पैर स्लिप कर गया या किसी ने धक्का मारा। His body was lying in the courtyard. God knows what happened. अरे यार बोचन काका मतलब, अरे कुछ ठीक से समझा तू क्या बोल रहा है यार? I don't understand. I should have listened to you. किस बारे में? तो ठीक कह रहा था, वो लड़की नहीं, वो डायन है। तेरी 48 आवर्स वाली बात बिल्कुल ठीक थी। ये सब उस उसको छत पे देखा था मधु का। माय गॉड, उसके पीछे ऊपर गया एंड शी वाज नॉट देयर। शी ट्राइड टू किल मी। उसने गमला लेके मेरे ऊपर फेंका। आई डोंट नो, समहाउ शी मिस्ड मी। अदरवाइज आई वुड हैव डाइड। आई डोंट नो हाउ आई सेव्ड। आई शुड हैव लिसन टू यू। It's all because of me. ये बोचन काका भी मेरी वजह से। अरे सब मेरी वजह से। तू please stop blaming yourself first of all. तू इधर आके बैठ। बैठ इधर आके। अरे यार देख, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। मुझे बता क्या हुआ, क्या कुछ बता। मेरे पास अब सिर्फ 38 घंटे। I just have 38 more hours to live. I don't believe myself. आदि ऐसी बातें नहीं करते यार, नहीं होगा ऐसा कुछ। मैं हूं ना यार यहाँ पे, मैं तुझे नहीं। क्या कर लेगा तू देव, क्या कर लेगा तू? यू विल नॉट बिलीव, मैं भी आ रहा था तो गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। ड्राइवर ने देखा तो ब्रेक से रोके, ब्रेक से फाइन, ब्रेक जब मैं ड्राइव कर रहा था तो ब्रेक फेल हो गई। क्या कर लेगा तू उसमें? हाउ विल यू स्टॉप द डायन? क्या कर लेगा तू? तू सो जा। उस डायन के साथ अगर फिजिकल रिलेशंस बना लिए जाएं तो 48 घंटे में आदमी की मौत हो जाती है। क्या हुआ? मधु थी? मधु तू एक काम कर, तू सो जा, मैं यहीं बैठता हूँ तेरे पास। मैं बैठता हूँ, सो जा सो जा। मधु थी यार यहाँ पे? अरे मधु मधु कोई नहीं था यहाँ पे, सो जा। अच्छा हुआ तुमने रात ही को फोन कर दिया, हम तो चिंतित हो गए थे, बिना बताए निकल गया। तुम ठीक तो हो ना? हरे राम जी। हुकुम साहब को उनके कमरे तक ले चलो। मैनेज आप फिक्र मत कीजिए काका साहब, मैं एक अच्छे तांत्रिक को जानता हूं, आज ही जाकर इस समस्या का कोई समाधान ढूंढता हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।
अभिराज हरे राम बता रहा था कि तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, तुम्हें चोट तो नहीं आई? और हुकुम हमने चेक किया था उस समय तो बिल्कुल ठीक था। क्या तुम काका साहब 16 घंटे रह गए मेरे पास मान लिया। व्हाट नॉनसेंस, होश में आओ अधिराज, होश में आओ। देव कह रहा था कि इस डायन के साथ सोने के बाद 48 घंटे मौत हो जाती, बाबूजी की भी ऐसी। सब बकवास है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 18 साल अमेरिका में रहने के बाद तुम्हारी सोच इस तरह की है, तुम्हें शोभा नहीं देता। अगर साहब तो जानते हैं मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ आदि? आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। ये महज एक हादसा है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। नो, आई होप एंड प्रे इट्स अ मेयर कोइंसिडेंस। महज एक हादसा, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा नहीं हुआ तो। सबसे पहले तो इस देव को इस महल में आने से रोकना होगा, वही सब तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें डाल रहा है। अगर साहब ऐसा कुछ नहीं, और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। वेल एनी वे, देखो बेटा काम ना हो, संभालो अपने आप को। ओके कुंवर अधिराज ने जिस दिन से अपनी रियासत में कदम रखा उसके साथ अजीब और गरीब घटनाएं हो रही थी। महल के नौकर बोचन की हत्या के बाद इन जानलेवा घटनाओं का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। इससे साफ जाहिर था कि अधिराज की जान को खतरा था। मौत से ज्यादा मौत का डर बड़ा होता है, और यही डर अधिराज को जीते जी मार रहा था। हालांकि उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, लेकिन भाई देवराज की बात मानकर उसने तांत्रिक से मिलना ठीक समझा। यही है, यही है, ये देखो, यही है। मुझे कोई कहां पर? यही है। घूम रही है पूरे महल में साए की तरह। बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा इसको निकालना। यार क्या हो गया तुझे? क्या हो रहा है? क्या बोलू हुकुम, वक्त कम है। चले बकवास बंद करो, इसको लेकर जाओ। देव काका साहब प्लीज इनका अपमान मत कीजिए, ये तांत्रिक बाबा है, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष, इन्हें मैं आदि की प्रॉब्लम के लिए लेकर आया हूँ। चलो निकलो यहाँ से। बाबा मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ, बुरा मत मानिए प्लीज। वक्त कम है, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। उस डायन के साथ अगर फिजिकल रिलेशंस बना लिए जाएं तो 48 घंटे में आदमी की मौत हो जाती है। यही थी, यही थी महाराज के कमरे में से यही निकली थी। कौन सा यही? ये 18 साल पहले। एक घंटा मतलब 47 आवर्स, 47 घंटे बचे थे। में मिली रेत उस जगह की हो सकती है जहां से सौरभ का खून हुआ है। सर हेडक्वार्टर से फोन आया है, यहां से 20 किलोमीटर दूर एक कार मिली है जिससे उस लाश और उस औरत की पहचान हो गई है। आदमी का नाम सौरभ अस्थाना है और वो सामाजिक कार्यकर्ता है और काफी लंबे समय से अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ काम कर रहा था। नीलिमा उसकी पत्नी है और एक शहर के अखबार में काम करती है। शुक्ला बैठ। सौरव के पास उन सैंड माफियाओं के खिलाफ कोई बहुत ही ठोस सबूत होगा जिसके लिए उन दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब रही बात उसकी पत्नी नीलिमा की, या तो उन दरिंदों ने उसे भी मार दिया या वो जिंदा होगी, और उसके पास भी बहुत सारे ठोस सबूत होंगे। शुक्ला एक काम करते हैं, सौरभ के टेंट के पास ये जितने भी रेत खनन की खाने हैं उनकी तलाशी करते हैं। अगर नीलिमा जिंदा है तो वहां आसपास कहीं ना कहीं जरूर छुपी होगी वो। आ!
भाव कम है। विल तो आपके पिताजी राजा साहब ने अपने समय में ही बना दी थी। सारी जायदाद आपके नाम है, आप विल क्यों बदलना चाहते हैं? वकील अंकल, मैं मरने वाला हूं। क्या कहा, मरने वाला हूं? कैसे, क्यों? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत से अच्छे डॉक्टरों को जानता हूं। नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये सब एक डायन का चक्कर है। कौन सी डायन, कहां है डायन? आप ये सब क्यों कह रहे हैं? कुंवर साहब, आपको काका साहब किसी जरूरी काम से बुला रहे हैं। वकील अंकल, अब वसीयत बनाइए। होश आ रहा है। मुझे छोड़ेगी नहीं वो डैन, मुझे छोड़ेगी नहीं वो डैन, मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे मार देगी। कुछ नहीं होगा यार तुझे, हम लोग हैं ना यहाँ पर, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। देखो बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें अमेरिका वापस लौट जाना चाहिए। कितने खुश थे तुम वहां पे, मैं तुम्हारी टिकटें करा देता हूँ। काका साहब, आप ठीक कह रहे हैं। आदि, तू यार 4-5 महीने के लिए वापस चला जा। तू 4-5 महीने वहां रहेगा ना तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। काका साहब, आप ऐसा ही कीजिए। देखो, इस वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बातें तो कल भी हो सकती हैं। कल ही तो नहीं है काका साहब, आई हैव नो टुमारो। व्हाट नॉनसेंस। महारगढ़ रियासत के इकलौते वारिस कुंवर अधिराज जी किन्हीं कारणवश अपनी वसीयत बदल रहे हैं। बट व्हाई? वो अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं है, इसलिए वो अपनी तमाम जायदाद अपने 2 जीवित संबंधियों ठाकुर उदयभान सिंह जी और कुंवर देवराज जी में आधी आधी बांट रहे हैं। महल ठाकुर साहब के नाम रहेगा और बाकी का ब्यौरा आपको वसीयत में मिल जाएगा, जिसकी रजिस्टर्ड कॉपी कल आप लोगों के हाथ में हो। एक मिनट यार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने मुझे समझ क्या रखा है? अरे मुझे नहीं चाहिए यार ये प्रॉपर्टी, ये वसीयत, ये सब मुझे नहीं चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम सबका? व्हाट द हेल इज दिस? आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं इस वसीयत को नहीं मान सकता। मुझे बस मेरा भाई चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज यार, तू ऐसे नाउमीद क्यों हो रहा है? कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेंगे ना यार। आदि, ऐसा नहीं, मुझ पे भरोसा रख, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, लेकिन मैं इस वसीयत को नहीं मानता। मेरी बात है, वसीयत। Let's be practical. जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका असर खत्म हो जाता है। अधिराज ने भी अपने आप को इस डर के हाथों सौंप दिया था। उसने बिना वक्त गवाए अपनी वसीयत तैयार की और बराबर उसे अपने भाइयों में बांट दिया। अब अधिराज न डर में था न बेचैनी में, अब वो उदास था और पूरी तरह से ना उम्मीद।
महादेव। अच्छा सुन, तूने वो रानी कुंड देखा है ना? हाँ हाँ, तो एक काम कर, जल्दी से वहां पहुंच। वो तांत्रिक आया था ना तेरे घर पे, उसने इस प्रॉब्लम का तोड़ निकाल लिया है, जल्दी पहुंच। देव तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो, कुछ होने वाला नहीं। तू अपनी बकवास बंद कर यार, मैं तुझे कह रहा हूं ना, बस सीधा सीधा वहां पहुंच, मैं भी वहीं आ रहा हूं। अरे कोई बचाओ मेरा भाई, आदि आदि आदि। मगरमच्छ के खाने की वजह से अधिराज के शरीर की शिनाख्त भी नहीं हो पाई। लाल बारी बोला था इस नौटंकी को हवेली में मत लेकर आना। क्या जवाब दूंगा अभी मैं? दूर हो जा मेरी नजरों से। कौन हो तुम? देखो मैं तुमसे डरता नहीं, मैं छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूं छोड़ दो मुझे। मैंने कहा ना मैं नहीं डरता तुमसे, मैंने कहा ना मैं तुमसे नहीं डरता मिस मधु। मधु नहीं, केत की दीवान। एक्टिंग काफी अच्छी कर लेती हो। तुम भी काफी अच्छी कर लेते हो एक्टिंग। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। बहुत परेशान रहा करते थे कुंवर साहब, जब से आए हमेशा टेंशन। हाईवे पे किसी लड़की से उनकी दोस्ती हुई थी। वो लड़की कौन थी? मालूम नहीं साहब, हमेशा बात किया करते थे, कहते थे दिखती है, कमरे में आती है, उसे घर भी जाया करते थे वहां जंगल में। पर एक दिन बूचर मर गया। साहब बोचन ने देखा था उस लड़की को। पर वो थी कौन ये नहीं मालूम साहब। ठीक है तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। नमस्ते काका साहब। नमस्कार। ये केत की दीवान है, मेरी दोस्त, दिल्ली से आई हैं आज ही, वकील है। हाँ भैया। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। आप लोगों को क्या लगता है ये सब जो हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसमें किसका हाथ हो सकता है? ये लड़की जो भी है ये
या किसी पे शक है आपको? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पे आप तो क्या कोई भी यकीन नहीं करेगा। सच तो यह है कि इस दुर्घटना के पीछे एक डायन का हाथ है। जी हाँ, एक डायन का। हरे राम उसी का जिक्र कर रहा था। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा आदि उसी डायन के चंगुल में आ गया। देखिए, इनकी बातों से मुझे इत्तेफाक नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन है कि इस घटना के पीछे किसी की साजिश है। कोई डायन नहीं बल्कि कोई इंसान इन्वॉल्व है। मर गया ना अधिराज, मर गया। उसके माँ उसके बाप की तरह वो भी मर गया, और उसका माँ मरी, उसके बाप मरा, और अब वो भी मर गया। और जानते नहीं ना किसने मारा? मैं जानता हूं किसने मारा। डायन ने मारा उसे, डायन ने मारा, और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। बेटा इधर, बस बस बस, एक ये मेरा बेटा है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी, मार दे। आओ बेटा, बट इधर आ। स्वीटहार्ट, अब ये सब हमारा है। पर तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? ये जो महल है ये काका साहब का है। है तो, पर तुम उसकी चिंता ना करो, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। अच्छा, क्या प्लान है? तुम एक बात भूल जाती हो कि मैं भी अधिराज का कजन हूं। दूर का ही सही, लेकिन भाई हूं उसका, उसी वंश का हूं, वही खून दौड़ता है मेरी रगों में। लेकिन ना तो मेरे पिताजी को कुछ मिला और ना मुझे कुछ मिलता अगर मैं भी शराफत से पेश आता तो। चाहता तो अधिराज को सामने से ही जान से मार देता, लेकिन उसमें खतरा था, मुझे जेल भी हो सकती थी। लेकिन अब सब सेट है, अधिराज खुद अपनी मौत मरा है, और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मरने से पहले खुद अपने हाथों से वसीयत मेरे नाम करके गया है। अब बस उसी वसीयत की एक कॉपी बस मेरे हाथ में आने दो, उसके बाद काका साहब को भी देख लेंगे, फिर तुम, मैं और ये प्रॉपर्टी अपनी बेबी। अधिराज के दूर के भाई देवराज ने रियासत की जायदाद के लिए अपनी गर्लफ्रेंड केतकी के साथ मिलके ये सारा खेल रचा था। काका साहब को अभी भी यकीन था कि इन सारी घटनाओं के पीछे भूत प्रेत नहीं है, उन्हें विश्वास था कि कोई साजिश है। वहीं देवराज और केतकी बहुत खुश थे कि उनका प्लान कामयाब हुआ। नमस्ते ठाकुर साहब, ये लीजिए वसीयत की कॉपी आपके लिए। अब इन कागजों का क्या करूंगा काका साहब, जब मेरा दोस्त, मेरा भाई अधिराज ही नहीं रहा तो? अब ये प्रॉपर्टी मेरे किस काम? अच्छा ठाकुर साहब, जयराम। काका साहब, मेरे पास इन प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, अ सुपर प्लान। क्यों ना हम इस महल को एक होटल बना दें, एक 5-स्टार होटल। जस्ट थिंक अबाउट इट, आमदनी की आमदनी होती रहेगी और फ्री मेंटेनेंस। आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ होटलियर एंड ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। तो क्या कहते हैं? नॉट पॉसिबल।
जीते रहो। आपको क्या लगता है बाबा ने ये सब क्यों किया? इसलिए कि ये महल जो कि उनकी सबसे बड़ी चाहत है, सबसे बड़ी तमन्ना है, वही उनके हाथ से निकल जाए। अरे राम, अब हम सिर्फ एक दूसरे को देखते रहेंगे कि बोतल भी खोलेंगे। Yes! बहुत त्याग किया हमने इस हवेली को हासिल करने के लिए। सही करें काका साहब, 18 साल से रास्ता बना रहे हैं यहां तक पहुंचने का। उसके लिए तो अपने भाई सौतेला ही सही, अधिराज के पिता भंवर सिंह और उनकी पत्नी की भी हत्या करनी पड़ी हमें। प्रदीप। जी बाबा। उस अधिराज को तो वकील वर्मा भगा कर ले गया, लेकिन बोचन, बोचन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वही उस डायन डायन को लेकर आया था और सारे गांव में खौफ मचा दिया था। माला माल कर दिया हमने उसको। बोचन को तो हम अब भी माला माल करना चाहते थे, हमसे सौदा करने लगा, डराने लगा हमें। यही तो गलती कर दी उसने। कहने लगा कि ज्यादा पैसे चाहिए, तयशुदा रकम से भी ज्यादा। कहने लगा कि हम पुलिस को बता देंगे। धमकाने लगा हम। खैर, सबकी अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी किस्मत, लेकिन इस हवेली की किस्मत ये आप मुझे लिखने दीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए था हमने आपको दिया, अब आप उसको बेचें रखें या आपके ऊपर है, लेकिन इस हवेली से अपनी नजर हटा दें। ठाकुर उदयबान को राजा उदयबान बन के रहने दीजिए। बहुत पुरानी साध है हमारी, कहीं फिर ऐसा ना हो कि हमें आपके प्रति अपना नजरिया बदलना पड़े। नहीं नहीं काका साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? आप इत्मीनान रखिए, फिक्र मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और तुमने बहुत अच्छा काम किया, जैसा तुम्हें कहा वैसा तुमने किया। कंग्रेचुलेशंस, वेल डन। थैंक यू सो मच। तुम्हारे चाचा काका साहेब, ये तो बड़ा निकला। अरे बेबी, जब मैंने दोस्त जैसे भाई को नहीं छोड़ा तो फिर ये काका साहब किस खेत की मूली है। एक बार वसीयत के कागज हाथ में आ जाएं, फिर काका साहब भी थोड़ा सुनो ना। मैं हमारी 100 एकड़ की जमीन है, उसे भी इवैल्यूएट कीजिएगा। सब हो जाएगा राजा साहब। नहीं होगा, इस जमीन का एक भी इंच, एक भी गाड़ी, यहां तक कि एक भी ईंट नहीं बेच सकते आप। क्या बकवास कर रहे हैं काका साहब? काका साहब, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? जवाब इसमें है। अधिराज का कजन हूं, दूर का ही सही लेकिन भाई हूं उसका, उसी वंश का हूं, वही खून दौड़ता है मेरी रगों में। लेकिन ना तो मेरे पिताजी को कुछ मिला और ना मुझे कुछ मिलता अगर मैं भी शराफत से पेश आता तो। चाहता तो अधिराज को सामने से ही जान से मार देता।
लेकिन उसमें खतरा था, मुझे जेल भी हो सकती थी, लेकिन अब सब सेट है। अठारह साल से रास्ता बना रहा हूं, उसके लिए अपने भाई सौतेला ही सही। अधिराज के पिता भंवर सिंह और उनकी पत्नी की भी हत्या करनी पड़ी। फॉर्चून का बहुत बड़ा योगदान था इसमें, डायन को वही लेकर आया था, माला माल कर दिया था हमने उसे, और अब भी माला माल कर दिए थे, हमसे सौदा करने लगा, डराने लगा हमें, कहने लगा कि ज्यादा पैसे चाहिए, तयशुदा रकम से भी ज्यादा। कितना चाहिए तुम्हें? मैं बताता हूं, क्रैक मोमेंट, आई लाइक दिस शॉक लुक, आई लाइक इट। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, मैं असली भूत नहीं हूं, मैं तो नकली भी नहीं हूं, लाइक सम ऑफ अस। इजी इजी, रिलैक्स 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 रिलैक्स। प्लानिंग अच्छी थी, पर क्या है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, केयरलेसनेस टू बी प्रिसाइज। क्यों भाई देव, मिस मधु, बहुत शौक है आप दोनों के टैटूस का, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, अच्छे लगते हैं, लाइक देम टू। पर एक साइड टैटू, अभी तू यार 4-5 महीने के लिए वापस चला जा, तू 4-5 महीने वहां रहेगा ना तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। मरने वाला तो मैं था ही, मैंने कहा चलो मरने से पहले एक बार पुराने खंडर में हुआ था पेंटिंग देखा था, एंड टू माय सरप्राइज आई रियलाइज्ड ना वो पेंटिंग पुरानी थी और ना मधु जी आप असली थी। बट यू आर नाइस, ट्रस्ट मी। वकील अंकल, आपने बचपन में भी मेरी जान बचाई, यू समहाउ सेंस्ड इट जब माँ बाबूजी की मौत का षड्यंत्र किया गया था, प्रॉब्ली द रीजन बिहाइंड देयर मर्डर। और एक बार फिर जब वही पुरानी डायन की कहानी में इस बार मुझे डराया जा रहा था, यू कुड सेंस समथिंग फिशी। 2+2=4, मेरे मरने से किसको फायदा होगा? There's no it, right? भाई देव, तांत्रिक की मदद से अपने छोटे भाई को मारना चाहते थे। How cruel. जब मुझे पता चला कि तुम मुझे झील के किनारे लेके जा रहे हो तो वकील अंकल ने एक प्रोफेशनल ड्राइवर को हायर किया, एज यू नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, तो जब तुम मुझे पानी में धकेलो वो ड्राइवर मुझे पानी से निकाल सके। सो टू कट इट शॉर्ट, आप लोगों ने जो डेड बॉडी देखी थी That wasn't me. बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अच्छा होता अगर राजा रानी के साथ तुम्हें भी मार दिया होता, इस वकील की वजह से तुम बच गए और तुम्हें अमेरिका भेज दिया क्या? इंस्पेक्टर, चलो कंग्रेचुलेशन कुमार साहब,
आपकी हिम्मत और सूझबूझ से ही ये लोग पकड़े गए। इंस्पेक्टर साहब, ये सब आपकी मदद के बिना पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। यू वेलकम। वकील साहब, सारे फसाद की जड़ है ये दौलत, ये पैसा। एक काम कीजिए, एक नई विल बनाइए और ये सारी दौलत चैरिटी में दे दीजिए। इस महल को आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। आज भी इस महल में माँ और बाबूजी की यादें जिंदा है। आज सोने की यादों के बीच मैं यहीं रहूंगा, इसी महल में। समझदारी, वफादार दोस्त वकील वर्मा और ईमानदार पुलिस की मदद से अधिराज ने इस पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया। प्रदीप को बोचन के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए आईपीसी की धारा 120A के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। वहीं देवराज और केतकी को भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में बराबर का पार्टनर होने के लिए धारा 120A के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई। काका साहब को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अधिराज के माता पिता के कत्ल के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सुनी सुनाई बेबुनियादी बातों पर यकीन न करें। अंधविश्वास दरअसल एक खेल है जो आपके दिलो दिमाग के साथ खेला जाता है। इसे खेलने वाले कभी आपके अपने होते हैं या कभी दूसरे, लेकिन शिकार हमेशा आप रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अंधविश्वास की आड़ में जुर्म पलता है, जैसा कि हमने इस घटना में देखा। तो सावधान रहिए अपने आसपास के लोगों में छिपे लालच से, जो अंधविश्वास के सहारे आप पर कभी भी वार कर सकते हैं। तो फिर होगी मुलाकात जुर्म को मुंहतोड़ जवाब देती एक और महामूवी के साथ।